तो पहली दो पंक्तियों में लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए स्कूल और गार्डन, हुप और स्विंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब है कि नाउन किसी भी चीज का नाम है। वैसे तो नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम होता है। ए स्कूल और गार्डन, हुप और स्विंग, यानी जैसे स्कूल या गार्डन या हुप या स्विंग। वैसे तो हम नाउन के बारे में काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए अब नाउन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, और नाउन का अर्थ जैसे मैंने बताया किसी भी चीज का नाम, जैसे बुक्स या किताबें, वैसे ही वुड यानी लकड़ी, वैसे ही स्कूल यानी विद्यालय। तो अगर आपको मैंने पूछा कि स्क्रीन पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है उसे आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे स्कूल। तो स्कूल एक इमारत का नाम है, तो वह एक नाउन हुआ। या स्वॉर्म यानी झुंड, तो ये सब उदाहरण है नाउन के। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी वर्ड बैंक्स निकाल लें, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत सारे नए शब्द सीखने वाले हैं, और यह फायदेमंद होगा कि आप वो सब शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिख दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की पंक्तियों में लिखा है, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन, एज ग्रेट, स्मॉल, प्रिटी, वाइट और ब्राउन। तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन का मतलब है एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। एज ग्रेट यानी जैसे महान या बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, प्रिटी यानी खूबसूरत, वाइट यानी सफेद, या ब्राउन यानी भूरा। तो चलिए एडजेक्टिव्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है, और उसका अर्थ है एक संज्ञा या एक सर्वनाम का वर्णन करने वाला शब्द। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे जो लड़का दिख रहा है वो काफी गुस्से में लग रहा है, तो हम कहेंगे ही इज एन एंग्री बॉय। तो एंग्री शब्द इस बॉय का कुछ वर्णन कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, बॉय यहाँ पे एक नाउन है और एंग्री उसका वर्णन कर रहा है, तो एंग्री एक विशेषण है। वैसे ही यहाँ तीन सेब दिख रहे, एक बड़ा है, दूसरा उससे भी बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा है। तो पहले वाले को कहूंगा मैं बिग यानी बड़ा, दूसरे को कहूंगा बिगर यानी पहले वाले से बड़ा, और तीसरे को कहूंगा बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको दो लड़के दिख रहे हैं, एक लंबा है, दूसरा छोटा है या नाटा है। तो पहले वाले को मैं कहूंगा टॉल, दूसरे वाले को कहूंगा शॉर्ट। यहाँ स्क्रीन पे अब आपको एक बेंच दिख रही है जो लकड़ी की बनी है, तो मैं उसे कहूंगा वुडन बेंच यानी लकड़ी की बेंच। तो वुडन बेंच के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो हो गया एक एडजेक्टिव। और ये पप्पी या डॉग काफी क्यूट लग रहा है या काफी प्यारा लग रहा है, तो मैं कहूंगा क्यूट डॉग। तो ये जितने भी शब्द हैं, एंग्री, टॉल, शॉर्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्यूट, वुडन, ये सब किसी नाउन का वर्णन करते हैं, और इसीलिए ये हो गए एडजेक्टिव्स। तो आगे की पंक्तियां, इंस्टेड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउन स्टैंड, हर हेड, हिज फेस, योर हाउस, माई हैंड। इंस्टेड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउन स्टैंड, इसका अर्थ है कि प्रोनाउंस को नाउंस के बदले रखा जाता है। हर हेड यानी उसका सिर, हिज फेस यानी उसका चेहरा, योर हाउस यानी तुम्हारा घर या आपका घर, माय हैंड यानी मेरा हाथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने हर कहा था तब मैंने हिंदी में बोला उसका, और जब मैंने हिस कहा था तब भी मैंने हिंदी में बोला उसका। तो इन दोनों शब्दों में फर्क यह है कि हम हर तब लिखते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक महिला है,
और हम हिज तब लिखते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक पुरुष है। तो चलिए अब प्रोनाउंस को थोड़े और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं और उनके साथ उनके प्रोनाउंस भी दिख रहे हैं। जब मैं आपको लिखित उदाहरण दूंगा तब आपको इन प्रोनाउंस के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है रमेश इज माई फ्रेंड, यानी रमेश मेरा दोस्त है। रमेश इज 5 ईयर्स ओल्ड, यानी रमेश 5 साल का है। रमेश लिव्स इन मुंबई, यानी रमेश मुंबई में रहता है। रीना इज ऑल्सो माई फ्रेंड, यानी रीना भी मेरी एक दोस्त है। रीना लिव्स इन लखनऊ, यानी रीना लखनऊ में रहती है। तो आप अगर ये चीज हिंदी में बोलते तो आप क्या बोलते हैं? रमेश मेरा दोस्त है, वो 5 साल का है, वो मुंबई में रहता है। तो हिंदी में आप पहले वाक्य में रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश के बदले वो बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में पहले वाक्य में हम रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश को उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं या रमेश के बदले उसका प्रोनाउन लिखते हैं। तो चलिए अब इन वाक्यों को प्रोनाउंस की सहायता से लिखते हैं। तो अब ऊपर दिए गए वाक्यों को प्रोनाउंस की मदद से लिखेंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे। रमेश इज माई फ्रेंड, यानी रमेश मेरा दोस्त है। ही इज 5 ईयर्स ओल्ड। ही लिव्स इन मुंबई, यानी अब हमने रमेश के बदले ही लिखा है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के लिए प्रोनाउन होता है ही। फिर रीना इज ऑल्सो माई फ्रेंड, यानी रीना भी मेरी एक दोस्त है। और शी लिव्स इन लखनऊ, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रोनाउन होता है शी। तो अब हमने प्रोनाउंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली है। प्रोनाउंस के बारे में हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे अभी।